हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवर क्लास आर्या कोचिंग। एज यू नो दैट दिस इज द क्लास वेयर यू कैन फील फिजिक्स, यू कैन रियलाइज फिजिक्स एंड यू कैन क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। एंड आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, सो डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। सो गेट रेडी फॉर फॉल इन लव विद फिजिक्स। सो टुडे वी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द मीटर ब्रिज नेटवर्क। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग अवर दिस क्लास वी शुड रिकॉल अवर प्रीवियस लेक्चर दैट वॉज ऑल अबाउट व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर मैं बात करूं व्हीट स्टोन ब्रिज की और मीटर ब्रिज की, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के भाई बहन हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज जस्ट भाई बहन नहीं कहेंगे यार, भाई भाई कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं? क्योंकि इनका जो फंडा है, मतलब जो इसका सिस्टम है, वो सेम होता है एक तरीके से। व्हीट स्टोन ब्रिज को याद करिए जरा, तो मैंने जब पढ़ाया था तो आपने देखा ही होगा। लेकिन मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे, और फिर हम लोग क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी रटना नहीं है फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने कई बार बताया और मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ करके फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप 100% प्यार करने लगेंगे फिजिक्स से। तो फिजिक्स से प्यार करिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज मीटर ब्रिज नेटवर्क। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं अब हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने भी देखा है कि इंग्लिश में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स मिले मुझे यूट्यूब पे। मैंने कई सारे वीडियोस देखे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं बहुत सारे टीचर्स, लेकिन हिंदी में पढ़ाने वाला भी टीचर बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी तरीके से हिंदी वर्ड्स का ही इस्तेमाल करूंगा। अगर इंग्लिश कभी कभी निकल जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। तो उससे पहले मैंने क्या बताया कि आपको ये मान के चलना है कि जो मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु है, यह व्हीट स्टोन सेतु के बिल्कुल सिमिलर है। मैंने व्हीट स्टोन सेतु में बताया था कि व्हीट स्टोन सेतु किस प्रकार का होता है, काजू कतरी टाइप का होता है ना, एक स्वीट होती है काजू कतरी इस टाइप की, हम कह सकते हैं पतंग टाइप का होता है। इसमें चार रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, PQRS इस प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, मैंने बताया था ना। अब इसमें कहें तो एक बीच में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन होता क्या है, जब कोई करंट फ्लो होता है, अगर P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, मतलब बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगर व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो इस वाले रेजिस्टेंस का कोई भी प्रयोग नहीं होता है, तो हम पी क्यू आर एस कहते हैं। लेकिन संतुलित अवस्था का सिस्टम क्या होता है, तो मैंने बताया था कि संतुलित अवस्था का मतलब होता है पी और क्यू का अनुपात अगर आर और एस के अनुपात के बराबर है, तो व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर लेसन 3 मिलेगा। लेसन 3 में बहुत सारे वीडियोस होंगे, उसमें से एक व्हीट स्टोन ब्रिज का भी एक वीडियो होगा, उसे आप देख सकते हैं और सारे वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पर आ चुके हैं, बहुत सारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलित अवस्था में होता है तो उसका फार्मूला होता है पी अपान क्यू इक्वल आर अपान एस, मतलब इनका अनुपात इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है। सेम यहां पर हमें यहां पर करना होता है। इसमें क्या होता है, इसके सेटअप को मैंने तैयार किया हुआ है, इस प्रकार का होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं लैब में तो आपको इस तरह का एक सेटअप मिलता है जिसे मीटर सेतु कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस एल आकार की दो पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है, और थोड़ा सा गैप दोनों तरफ छोड़ करके एक तीसरी पत्ती भी होती है। ठीक है, दो पत्तियां एल आकार की लगी हैं और थोड़ा सा दोनों के बीच में थोड़ा गैप दे करके एक तीसरी पत्ती लगी होती है। अब होता क्या है, इस गैप में क्या करते हैं और इस गैप में क्या करते हैं, समझना जरा। ठीक है, इस गैप में क्या करते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाता है, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स एक इस तरह का बॉक्स होता है, ठीक है, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगे होते हैं, आपने देखा भी हो। तो ये इस प्रकार से प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, एक प्रतिरोध नहीं होता बल्कि कई सारे प्रतिरोध होते हैं और सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसकी 2 ओम है तो 4 ओम है, 6 ओम है, कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार से वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, तो जिस जिस हम अगर किसी भी
प्रतिरोध को किसी भी रेजिस्टेंस को अनप्लग कर देते हैं, बाहर खींच लेते हैं, तो वो उस पूरे बॉक्स का प्रतिरोध उतना ही ओम हो जाता है। मान लिया मैंने ये वाले को अनप्लग कर दिया, ठीक है, इसको मैंने अनप्लग कर दिया तो क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। अगर इसका अनप्लग कर दिया तो पूरे का रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। मतलब कहने का ये, जिसको अनप्लग करते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जितने लगे होते हैं उनका रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, ऐसा सेटअप ही होता है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार का एक प्रतिरोध बॉक्स होता है, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है इस वाले गैप में, और इस वाले गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, एक अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया जाता है जिसको हमें पता ही नहीं है। अच्छा, इसका तो प्रतिरोध हमें पता ही है, क्योंकि जिस जो प्रतिरोध बॉक्स लगाया गया इसमें से जो खींचोगे उसका प्रतिरोध उतना ही होगा। मैंने 2 ओम वाला खींच दिया तो प्रतिरोध 2 ओम, 5 ओम वाला खींच दिया तो प्रतिरोध 5 ओम, ये तो पता होता है, लेकिन इसका प्रतिरोध हमें पता नहीं होता है कितना है, और इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। और ज्ञात कैसे करते हैं, इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं मीटर से, तो ठीक है। तो अब होता क्या है, ये तो स्टेप आपको पता चल गया। अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में एक वायर होता है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं रेजिस्टेंस होता है, भाई वायर है, वायर में रेजिस्टेंस तो हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक वायर होता है और ये इनके बीच में लगा होता है, और इसका जो लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है टोटल, कितनी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, और होता क्या है, इस वाले ये जो बीच में जो पत्ती लगी हुई है इसके बीच से एक धारा मापी का प्लस पॉइंट जोड़ दिया जाता है। एक धारा मापी है जो धारा को चेक करती है कितनी धारा इसमें बह रही है, कितनी नहीं बह रही है, ठीक है। तो ये धारा मापी का इसका जो पॉजिटिव सिरा होता है इसको यहां से ऐड कर दिया जाता है, और इसके निगेटिव सिरे को, धारा मापी के निगेटिव सिरे को हम जॉकी जे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जॉकी जे क्या है, तो जॉकी जे एक ऐसी मतलब नुकीली टाइप की, ऐसे नुकीली टाइप की एक वायर ही होता है, वो वायर आकर के एक तार को टच कर रही है, इस वाले तार को टच कर रही है, और इसको हम खिसका करके कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको खिसका करके इधर खिसका सकते हैं, यहाँ पर भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, इधर भी खिसका सकते हैं, मतलब है इसको इधर उधर खिसकाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब जॉकी जे को खिसका कर हम तार के किसी भी बिंदु पर स्पर्श करा सकते हैं, किसी भी बिंदु पर ले जा सकते हैं। तो अब होता क्या है भाई, हमने अभी बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बिल्कुल सिमिलर है हमारा मीटर ब्रिज, लेकिन कैसे सिमिलर है, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाई, यहाँ पर भी 4 प्रतिरोध ही होते हैं, यहाँ पर ये एक तरीके से कह दिया, एक ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसे R लिख दिया, इसे S लिख दिया है, ठीक है। तो R S ये हो गए, तो पी क्यू कौन होंगे, R S चलो ये हो गए, तो पी क्यू कौन होंगे, तो पी क्यू वाला ये है एक वायर, ये भाई एक प्रतिरोध ही तो है, वायर क्या है, एक प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये एक वायर है, ये भी एक प्रतिरोध ही है। अब हमें ये समझना है कि भाई ये तो एक वायर है, एक प्रतिरोध है, तो यहाँ पर 2 प्रतिरोध कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना जरा, 2 प्रतिरोध कहां से बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इस जॉकी को खिसका करके इस पॉइंट पर लाया जाता है, ठीक है। और जब इस पॉइंट पर लाया जाता है तो धारा मापी की जो सुई है ना, मान लिया जैसे 0 ये है, माइनस 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है। तो ये जो वायर, ये जो सुई होती है ना धारा मापी की, अगर हम जब इसे इस वाले को, इस सुई को या फिर इस जॉकी को इस पॉइंट पर लाते हैं, तो धारा मापी में एक विक्षेप उत्पन्न होता है, और ये धारा मापी की सुई इस तरह से यहां पर आ जाती है, समझ रहे ना। और फिर क्या करते हैं, फिर इसको यहां से ले जाकर के इस सिरे पर ले जाते हैं, तो देखते हैं धारा मापी की सुई इस दिशा में यहां पर आ जाती है, मतलब जब इधर लाए तब इधर आ गई, और जब इधर लाए तब ये इधर आ गई। इसका मतलब क्या है कि इसमें धारा बह रही थी, अब भी धारा बह रही थी, ये एक दिशा में धारा बह रही थी और ये दूसरी दिशा में धारा बहने लगी, लेकिन धारा तो बह रही है, इसमें धारा बह रही है, और कितनी बह रही है ये तो अपना दिखा देता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब इसको कनेक्ट ही नहीं किया जाता है, और इसमें कोई धारा ही ना बह रही हो, जब कोई धारा मापी में धारा नहीं बहती है, तो ये बिल्कुल सीधी इस कंडीशन में होती है, ठीक है,
बिल्कुल सीधी इस कंडीशन में कब होती है, जब कोई धारा नहीं बह रही होती है तब। अब समझने वाली बात यह है कि अब हम करते क्या हैं, इस वाले जॉकी को यहां पर लाते हैं और फिर धीरे धीरे ए से बी की ओर खिसकाते हैं इसे। अभी देखो जैसे यहां पर हम लाएंगे इस वाली जॉकी को तो इसका ये कंडीशन आएगा, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे इधर खिसका रहे हैं, जैसे खिसकाएंगे तो ये वाला भी इस तरह से, ये इसका इस तरह से सुई घूमती चली जाएगी, समझ रहे ना। मतलब है जैसे जैसे ऐसे बी की और जॉकी को ले जाते जाएंगे वैसे वैसे सुई भी ऐसे घूमती हुई चली जाएगी। और याद रखिए धीरे धीरे खिसकाएंगे और जैसे ही हम देखें कि हमारी सुई बिल्कुल जीरो पर आ गई है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, वहीं पर हमें तुरंत रुक जाना है। मान लिया कि यहां पर हम पहुंचे और हमारी सुई बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। अब जब स्ट्रेट हो गई है तो बस यहीं पर रुक जाना है और अब देख लेना है कि ये इस ये जो तार है इस वायर की लंबाई आखिर कितनी है। अगर मान लिया कि ये 30 है तो 100% ये वाली 70 हो जाएगी, लेकिन हम 30 कैसे मान लें। तो हमने मान लिया कि ये वाली जो लंबाई है ये L1 है और ये वाली जो लंबाई है ये L2 है, ठीक है। इधर वाली लंबाई कितनी है L1 और इधर वाली लंबाई क्या है L2। और J पर ये सुई बिल्कुल स्ट्रेट है, हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वेट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। मतलब कि व्हीट स्टोन सेतु ऐसी अवस्था में क्या कहा जाता है, संतुलित अवस्था में है। भाई व्हीट स्टोन सेतु नहीं है ये, तो है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु अब ये संतुलित अवस्था में है और हमें तो यूज तो ये फंडा तो उसी का यूज करना है, मतलब इसका व्हीट स्टोन सेतु का। तो व्हीट स्टोन सेतु का सिस्टम क्या होता है, P/Q = R/S, ठीक है। तो यहां पर पी कौन है ये और आर कौन है ये। इधर वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो P बन जाएगा और इधर वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो Q बन जाएगा और R और S तो ये ऊपर है, ठीक है। तो ये चारों प्रतिरोध हो जाते हैं और ये चारों प्रतिरोध व्हीट स्टोन सेतु के चारों प्रतिरोधों की तरह से बिल्कुल कार्य करते हैं, समझ रहे ना। थोड़ा सा फील करके समझिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा 100% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, एक ये प्रतिरोध बॉक्स लगाया था इसमें एक प्रतिरोध था और एक प्रतिरोध ये हमने लगाया है जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। और यहां पर मैंने जे पॉइंट ऐसा पॉइंट निकाला है कि यहां पर ये धारा मापी की सुई बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। इसका मतलब है कि इधर वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो पी मान लेते हैं और इधर वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्यू मान लेते हैं, ठीक है। और आर एस ऊपर हो गए हैं। अब वही वैल्यू यहां पर व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लगाते हैं तो क्या हो जाता है, P/Q = R/S। लेकिन P क्या है, यहां पर तो P है नहीं, लेकिन हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वह रेजिस्टेंस का वैल्यू, हमने कई बार बताया रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये अनुक्रमानुपाती निशान हटता है तो बन जाता है R = ρ/L/A। ये फार्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा, R = ρ/L/A, ठीक है। तो यहां पर हम यही यूज करेंगे, भाई R मतलब रेजिस्टेंस। अगर मैं P वाले की इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं P मानूं तो P = कितना हो जाएगा, ρ/L। L यहां पर क्या है, इसकी लेंथ है L1/A और मान लिया इसका वायर का जो एरिया होगा वो A मान लिया, ठीक है। तो P = भाई ρ/L1/A हो गया। इसी प्रकार हम अगर कहें Q कितना हो जाएगा इधर वाले का, तो ये हो जाएगा ρ/L2/A, ठीक है। P = क्या होगा, ρ/L1/A। Q = क्या हो गया, ρ/L2/A, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिरोध इसका और इसका हो गया और आर एस पता है और एस का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है कि एस का तो हमें वैल्यू निकालना है, ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो एस का वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, बस यूज करना है व्हीट स्टोन सेतु का। तो क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु, R/S = P/Q, यही होता है ना। अब R की जगह पर S की जगह पर, तो R/S तो ऐसे रहेगा, लेकिन P का वैल्यू क्या लिखेंगे, इस वाले का प्रतिरोध
रो इंटू एल वन अपान ए, और इसी प्रकार Q का वैल्यू क्या लिखेंगे, रो इंटू एल टू अपान ए। नीचे तक दिख रहा है, देख लेता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं लिखता रहता हूं और वीडियो में शूट ही नहीं होता है। चलो ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि R अपान S इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L1 अपान A, रो L2 अपान A। अब यहां से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, और ये बचेगा हमारा, ये मिटा दो ना, ये R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, R का रेजिस्टेंस का, किसी भी प्रतिरोध का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा R अपान S इज इक्वल टू बन जाएगा L1 अपान L2, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं L2 कितना है भाई, L2 कितना है, तो L2 अगर 100% टोटल है तो 100 से L1 घटा दीजिए तो L2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं L2 जो है वो 100 माइनस L1 है, L2 बराबर क्या है, 100 माइनस L1। तो जहां पर L2 है वहां पर 100 माइनस L1 लिख देते हैं। तो लिखिए R अपान S इज इक्वल टू L1 अपान में यह हो जाएगा 100 माइनस L1। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, S निकालना है, और S निकालना है तो S को सब्जेक्ट बनाइए, इसको पलटिए, तो पलटे वही, तो S अपान R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 100 माइनस L1 और अपान में L1, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब S निकालना है तो R को उधर कर देते हैं, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L1 अपान L1, और ये है फार्मूला S निकालने का, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम मीटर सेतु की सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपने देखा है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और ये फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इतना याद रखिएगा कि जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु का एक भाई है, भाई है दोनों, ठीक है, और बस इसी के सिद्धांत पर ये भी बिल्कुल चलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरी बहुत दिनों से अब की बार तबीयत खराब थी, मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं, और जैसा आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ भी थोड़ी फंस रही है, गला खराब है, तो लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी पढ़ते हैं उन सबके साथ में शेयर कीजिए, जिससे पूरी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में वीडियोस पहुंचे और सारे बच्चे इन वीडियोस का लाभ उठा सकें, बस यही मैं चाहता हूं। और आप लोग ऐसे प्यार करते रहिए, और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।